अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की एक कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंदुवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षा के लिए भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिलती थी। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक सेविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने सेविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। सेविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। सेविका जब अंदर गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब सेविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के साथ साथ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर सेविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया है, लेकिन काश मेरे सर पर ये छत हमेशा रहती। जब भरत सोकर पुनः उठे तो शविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, शविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने शविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? शविका ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए तो कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे मन के विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने शविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में शविका के बारे में अश्लील विचार आए। शविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए शविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृत के साथ ध्यान करने पर तुम्हारे अंदर कौन सी वासना उठ रही है इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल पड़े। भिक्षु आज पूरी तरह से जागा हुआ था। जैसे जैसे शविका का घर नजदीक आ गया भरत की घबराहट बढ़ती गई। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत शविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वापस से निकल गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आए। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक
थैंक यू वेरी मच।